हज़रत मौलाना अहमद साहब हसनपुरी रहमतल आलई ज़िला मुरादाबाद के रहने वाले हजरत गंगोही रहमत ला आलही के खलफा में थे एक मरतबा उनके किसी मुरीद ने जो कलकत्ते का रहने वाला था अपने मकान की बुनियाद डालने के लिए उनको दावत दी और चूँकि वो बूढ़े थे इसलिए कहा कि अपने साथ किसी को ले आना ताकि सफ़र में सहूलत रहे हज़रत मौलाना एहत्या साहब कान्धलवी रमतल आल जो हज़रत मौलाना इलिया साहब रहमत ला आलही के बिरदर नस्बती होते हैं जब दावत व तब्लीग का सिलसिला हज़रत मौलाना इलिया साहब रहा आल ने शुरू किया तो शुरू ही से वो हजरत के साथ थे मौलाना अहमद शाह रहमत आलही ने उनसे कहा कि भाई मकान की बुनियाद के लिए एक सफ़र में जाना है मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तो साथ तुम्हें ले जाऊँ इसलिए कि तुम नौजवान भी हो आलिम भी हो साल भी हो तुम्हारे हाथ से मकान की बुनियाद डलवाऊँगा खैर जब सफ़र शुरू हुआ तो हज़रत मौलाना अहमद शाह रहा आल ने मौलाना एहत्याल हसन साहब रहा आलही से कहा कि देखो भाई नबी करीम सल्ला वसम ने फ़रमाया है कि सफ़र में अमीर होना चाहिए और तुम नौजवान भी हो आलिम और साले हो इसलिए तुम हमारे अमीर रहोगे ट्रेन में सवार होने के बाद इत्तेफाक के बाद के मौलाना अहमद शाह को दस्त लग गए और इतनी कसर तादाद में हुए कि बार बार क़़ाए हाजत के लिए जाना पड़ा जिसकी वजह से बेानतहा नकाहत और कमज़ोरी हो गई उनकी तबीयत की यह हालत देख कर हज़रत मौलाना एहत्याह हसन साहब रहमत लाई ने यह तय किया कि हजरत को आराम की सख्त ज़रूरत है इसलिए फरमाया कि हजरत आपका बनाया हुआ ये अमीर आपसे दरख्वास करता है कि आज आप तहज्द नहीं पढ़ेंगे, आज आपको आराम ही करना है मौलाना हसन फरमाते हैं कि ये कहकर मैं तो सो गया रात को अचानक देखा कि कोई आदमी मेरा अंगूठा हिला रहा है आँख खोली और गौर से देखा तो हजरत मौलाना अहमद शाह थे और जारो क़तार रो रहे थे दाढ़ी आंसुओं से तर थी और कह रहे थे कि हजरत गंगोही ही रहामतल्ली का वास्ता दे कर कहता हूँ कि मुझे तहजद पढ़ने की इजाज़त दे दो हजरत से बैत हुए सत्तावन साल हो गए हैं आज तक कभी तज़द नागा नहीं हुई इन हजरत के यहाँ तो मामूलत का ये अहतमाम था और हमारा हाल ये है कि दो चार दिन मामूल अदा किए और फिर छोड़ दिए उनका आगे का किस्सा भी बता ही देता हूँ जब ये कलकत्ता पहुँचे उन्होंने चूंकि ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों से बुनियाद रखवाऊँगा जब वहाँ पहुँचे और बुनियाद रखने का मौका आया तो वहाँ जो घड़ा खोदा गया था वो गहरा था तो हजरत ख़ुद ही उसके अंदर उतर गए ये काम हो गया तो दाई ने हजरत की खिदमत में कुछ हदिया पेश करना चाहा ये बड़ी रकम थी लेकिन हजरत ने उसको रद्द कर दिया उसके बाद मस्जिद में नमाज़ के लिए गए वहाँ किसी ने हदीये में दो रुपये पेश किए वो कबूल कर लिए उसमें से एक रुपया इनको दिया कि तुम मेरे साथ हो तो आधा हदिया तुम ले लो उन्होंने कहा कि हज़रत बात समझ में नहीं आई आप तो मुझे ये कहकर साथ लाए थे कि तुम्हारे हाथ से बुनियाद रखवाऊँगा और जब उसका वक्त आया तो आप खुद ही उतर गए और वहाँ दाई ने इतनी बड़ी रकम हदिये में पेश की उसको रद्द कर दिया और मस्जिद में एक साहब ने दो रुपए पेश किए तो उसको कबूल कर लिया तो हजरत ने जवाब दिया कि भाई बात यह थी कि जब संग बुनियाद रखने का वक्त आया तो मैंने देखा कि गड़ा बहुत गहरा है तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर उतरने की सूरत में आदमी गिर जाए और मौत वाक़ हो जाए तुम नौजवान हो आलिम दीन हो अल्लाह तबारक व तला तुमसे दीन का काम ले रहे हैं मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ क़बर के किनारे पहुँच चुका हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ही उतर जाऊं ताकि अगर मौत आ जाए तो मेरी आए और वो जो साहिब खाना ने बड़ी रकम पेश की थी तो बात दरअसल ये है कि मेरे ऊपर एक कर्ज़ा था और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहा कि ए अल्लाह इस कर्ज़े को अदा करा दे जब ये दावत आई तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह तबारक तआला ने तेरा कर्जा अदा करने की सूरत पैदा फरमा दी दिल में इशराफ पैदा हुआ इसलिए मैंने वो हदिया कबूल नहीं किया और मस्जिद के अंदर गए तो हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि कोई हदिया देगा इसलिए उसने जब दो रुपए दिए तो मैंने कबूल कर लिए